गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 9 दुखियारों की पीर हरूंगा पाठ की कविता आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और इस पाठ की कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, मम्मी मैंने ठान लिया है अब मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा। यहाँ पर एक बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम करूंगा। मुन्ना चाहता मुन्नी चाहती सुबह शाम वह कविता गाती, जिसका भी संदेशा आता सबकी वही पढ़ती है पाती। यानी कि मुन्ना और मुन्नी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सुबह शाम वह कविता भी गाते हैं, जिसका भी संदेशा आता है, यानी और किसी का भी जब चिट्ठी आती है या कोई संदेशा आता है तो वह उन सबको वही लोग पढ़ते हैं। कौन? मुन्ना और मुन्नी। पाती यानी कोई भी पत्र या चिट्ठी। छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता मोती जैसे अक्षर गढ़ता, मुझे भी कापी कलम दिला दो बस्ता और पुस्तकें दिला दो। छोटी पढ़ती यानी छोटी भी पढ़ती है छोटा भी पढ़ता है और सब लोग पढ़ने के कारण मोती सुंदर सुंदर अक्षर लिखते हैं, मुझे भी कॉपी और पेन दिला दो और बस्ता दिला दो, उसमें मुझे किताब रख के दे दो। यानी ये कौन कह रहा है? छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगा। मुन्ना भी जाता है और मुन्नी भी पढ़ने जाती है, यानी उसके दोनों बड़े भाई बहन पढ़ने जाते हैं, इसलिए वो कहता है मैं भी पढ़ने जाऊंगा। आगे है, पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, हाल सुनूंगा, पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, हाल सुनूंगा जाकर घर घर। वह कहता है कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा और सभी के घर जा जाकर उनका हाल पूछूंगा और उनसे उनका हाल सुनूंगा। मैं सब अच्छे काम करूंगा, दुखियारों को की पीर हरूंगा। वह कहता है कि मैं सारे अच्छे काम करूंगा और जो कोई दुखी होगा उनके दर्द को दुख को दूर करूंगा। सच्चे तन से सच्चे मन से पूर्ण विनयी होकर तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा। वह कहता है कि सच्चे मन तन और मन से मैं विनम्र होके, विनयी यानी विनम्र होके दया भाव से तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा और ऊंचा नाम कमाऊंगा। ये जो कविता है बच्चों, जिसके लेखक है अनिल कुमार शर्मा, तो इस कवि कहता है कि इस कविता में एक बच्चा जो है अपनी माँ से एक तरह से आग्रह करता है कि माँ मुझे स्कूल पढ़ने भेज दो, मेरे छोटे बड़े भाई बहन भी स्कूल जाते हैं और मैं वहां जाऊंगा तो अच्छा काम करूंगा, खूब पढ़ूंगा लिखूंगा, सबकी सेवा करूंगा और दुनिया में अपना ऊंचा नाम करूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि छोटे बच्चा जो है आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए कहता है, इससे तात्पर्य है कि पढ़ने से हम शिक्षित होंगे और दुनिया में अच्छे काम करेंगे और ऊंचा नाम कमाएंगे। तो बच्चों, आपको ये जो कविता है जिसको आपको अपनी बुक से रीड करना है,
इस कविता को दुखियारों की पीर हरूंगा पार्ट 9 की कविता को आपको अपनी बुक से रीड करना है और नोटबुक में कविता को लिखना भी है। ये देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये कविता पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी और इस कविता को याद भी करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर नाइन दुखियारों की पीर हरूंगा डू इन नोटबुक। आज की क्लास में इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।